आज हमारे कार्यक्रम में श्री संजय वस्त्रकार जी हमारे साथ हैं, जो कि शिक्षक दिवस मनाने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर के पास आए हुए हैं। तो पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं, संजय जी का। और अब संजय जी बताइए, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? सर पहले छोटा सा सिंपल से आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ जी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जी सर कि ये संजय वस्त्रकार जी के बारे में। पहले हम जानेंगे कि ये क्या है, क्या कर रहे हैं वर्तमान में जी। बताइए संजय जी, आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सर मैं मड़वा पावर प्लांट में ACC&I ऑफिस में BA2 के पोस्ट में पदस्थ हूँ सर। तो अभी ये आप शिक्षक दिवस के दिन में एक सेफ्टी ऑफिसर के पास आए हुए हैं, तो आपको ऐसा क्या फीलिंग, क्या भावना आई थी जिसके कारण आप यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ सर, जब मेरा पोस्टिंग फर्स्ट बार हुआ उसके बाद हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ सर कोरबा PGTI में, जहाँ सेफ्टी ऑफिसर थे वहाँ पे नहीं सर, वहाँ पे आप टीचर थे, हम लोगों को पढ़ाए सर, सिखाए और बहुत कुछ सीखे, जाने समझे PGTI से। उसके बाद फिर उसी दिन से मेरे मन में एक शिक्षक गुरु के रूप में मैं आपको खूब मानता हूँ सर। तो आज 2 साल हो गया सर, शिक्षक दिवस के दिन मैं आता हूँ सर आपके पास क्यों आशीर्वाद देने के लिए, और मन ही मैं आपको बहुत मानता हूँ कि पढ़ाई वाला जो शिक्षक होते हैं वो तो जो सक्सेसफुल होते हैं, जो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो तो ज्यादातर बाहर निकल जाते हैं सर, और वो कभी अपने गुरु से मुलाकात नहीं कर पाते, दूर दराज में रह के काम करते हैं। उसके बाद का जो जिंदगी चालू होता है सर, नौकरी चाकरी मिलने के बाद जहाँ स्थायी हो जाते हैं, जहाँ से रोजी रोटी आना चालू हो जाता है, और मैं एक ऐसे प्लांट में हूँ सर जहाँ हर पल खतरा मंडराता रहता है, वहां पे आपका एक बहुत बड़ा योगदान है सर कि आपने एप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे एकदम सरल शब्दों में इतना बेहतरीन तरीके से हर एक को समझाते हैं, हर एक के मन में ये डालते हैं कि आपके अलावा घर में कोई और इंतजार कर रहे हैं, ये सब चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। इसीलिए मैं आपको गुरु के रूप में शिक्षक दिवस के दिन आता हूँ सर आपके पास मिलने। आपने जैसा कि बताया कि आप सेफ्टी ऑफिसर को भी एक शिक्षक के रूप में देखते हैं, जहाँ तक ये इसका कोई जनरल प्रैक्टिस किसी प्लांट में नहीं है जी, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षक दिवस के दिन सेफ्टी ऑफिसर को एक गुरु के रूप में क्या कुछ विशेष, उसके साथ कुछ विशेष सम्मान इत्यादि का व्यवहार होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ सर, जरूर होना चाहिए सर, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं सर, सिखा रहे हैं सर, वो पूरे संयंत्र में इतना महत्वपूर्ण है, पग पग में, एक एक कदम में, वो सब कुछ तो ख्याल आता है सर कि हम सुरक्षित रहेंगे तो सारे परिवार सुरक्षित रहेगा सर। एक शिक्षक दिवस को संयंत्र में हम सेफ्टी के उन्नयन के लिए या सेफ्टी की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस विषय में आपका क्या विचार है? सर एक तो कई लोगों को जानकारी नहीं है, छोटे मोबाइल चलाते हैं और YouTube के बारे में भी उतना जानकारी नहीं है, जिससे आपका जो कार्यक्रम होता है बार बार आप कुछ न कुछ अवगत कराते रहते हैं, लेटेस्ट जानकारी देते रहते हैं सर। आजकल के जो बच्चे समझ पाए, जो काम करने वाले समझ पाए, उस हिसाब से आप इतना बेहतरीन और अच्छे ढंग से समझा करके YouTube में डालते हैं। उसके अलावा बीच बीच में सर कम से कम एक आध प्रोग्राम भी होना अनिवार्य है, जैसे होता ही रहता है हमारे प्लांट में, उससे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ता है सर, सबके मन में कुछ न कुछ अलग से भाव आता है सर कि सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही संयंत्र में कदम रखते हैं वो सबसे पहले सेफ्टी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये महसूस करते हैं सर। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि आप हर बार कुछ न कुछ नया ढंग से, चाहे आप रोड वाला बात हो, रोड में सुरक्षित से लेकर के या फिर आप कार्य के दौरान सुरक्षा, ये सब के बारे में आप अच्छे से समझाते हैं सर, बताते हैं सर। तो अंत में आप कुछ संदेश हमारे दर्शकों को अलग से देना चाहते हैं, आपके कुछ विचार हो तो आप सीधे दे सकते हैं कैमरे की तरफ देखते हुए, जो भी आपके विचार हो। हाँ सर, जैसे हम स्कूल में मनाते हैं और कई जगह ही मनाया जाता है शिक्षक दिवस,
वैसे ही पावर प्लांट में भी शिक्षक दिवस जैसे ही मनाना चाहिए, कुछ समय के लिए मनाएं, ज्यादा तो भव्य कार्यक्रम नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए जरूर मनाना चाहिए। इससे कम से कम सेफ्टी ऑफिसर लोगों को कुछ अलग ही भाव होगा जो सिखाते हैं, बताते हैं, ये सब बहुत अच्छा लगेगा सर। और सबके मन में ये भी होगा कि सेफ्टी ऑफिसर भी एक बहुत बड़े गुरु हैं, जो पूरे अपने जीवन काल में जितने दिन हम संयंत्र में नौकरी करेंगे, उस नौकरी के दौरान हर एक बात, हर एक शब्द हमेशा याद आएंगे और वही हमको सुरक्षित ढंग से पूरे 62 साल तक टिका सकते हैं सर। तो बहुत ही अच्छा आपका आपका ये मीटिंग रहा सर, तो मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको भी एहसास दिलाया कि हम भी एक गुरु है, नहीं तो हम तो अपना एक प्रकार से अस्तित्व हम भूल ही जाते हैं कि एक गुरु के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। हमें अधिकतर ऐसा कई बार लगने लगता है कि हम तो अपना सिर्फ कार्य कर रहे हैं। तो इस विषय में आपने विशेष ध्यान आकर्षित करवाया प्लांट के लोगों का, तो इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। और आप हमेशा इसी प्रकार हर साल इस प्रकार जो आपके योग्य और कहना चाहिए उपयोगी गुरु है उसको आप हमेशा याद करते रहें और उनसे आशीर्वाद लेते रहें और हमेशा जीवन में तरक्की आपके पास आती रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अभी हम आपसे विदा लेंगे जी। नमस्ते। नमस्ते सर।